हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देविका। देविका सम लाइफस्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग भी यहां पर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत एकदम से अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने बस 2-3 दिन अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अभी मैं ठीक हूँ, तो इसीलिए फिर से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। कल भी मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, आज भी अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ। और कल मैं मार्केट गई थी और वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, और उसी के साथ मैंने व्लॉग भी ख़त्म कर दिया था कल। तो कल मैंने लाया था ये वाली स्टिक, ये घर में पोछा लगाने वाली स्टिक, तो ये मैंने लाया था कल जब मैं मार्केट गई थी। इसी के साथ किशमिश और फिर मिश्री मैंने लाया था कल। और मेरा जो मिक्सी है जिसमें मैं मसाला पीसती हूँ, वो कुछ दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने दुकान में देख कर आई, तो वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ कर पाऊँगी काम वगैरह, जो कि मैं अभी कुछ दिनों से कुछ भी ऐसा कुछ बना नहीं पा रही हूँ मिक्सी के लिए, तो मिक्सी मेरा ठीक हो जाएगा। मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा मिक्सी अभी ठीक होने वाला है। तो अभी आधी नहीं है, क्योंकि वो आज से ट्यूशन जा रहा है, वो अभी चला गया है ट्यूशन, 10:30 बजे ही वो चला गया था, तो अभी 10:30 बज चुके हैं, तो वो भी बस निकल गया अभी ट्यूशन के लिए। तो आज उसका पहला दिन है, बहुत दिनों के बाद वो ट्यूशन जा रहा है, और बहुत दिन तक तो ट्यूशन बंद ही था, क्योंकि पहले का जो ट्यूशन टीचर था वो बहुत ही दूर में रहते थे, और फिर लॉकडाउन की वजह से आना जाना बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए मैंने उसका ट्यूशन छुड़वा दिया था। और अभी जहाँ ट्यूशन लगा है वो बस हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ट्यूशन सुबह के टाइम में ही करेंगे बोल रहे हैं, तो 10:30 बजे वो चला गया है ट्यूशन। तो आज उसका ड्राइंग है, क्योंकि आज संडे है, उसका सिर्फ आज ड्राइंग ही है। तो फिर अभी हमारा तो ब्रेकफास्ट हो गया है, और आज भी हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, क्योंकि कल भी मेहमान आने वाले थे, तो कल भी मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी, और आज भी आदि का ट्यूशन था, ये सब के लिए मैं जल्दी ही उठ गई थी। और अभी देखिए मेरा काम एकदम से हो गया है, घर का सब कुछ, ब्रेकफास्ट हो गया है, हस्बैंड भी जा चुके हैं। आज हस्बैंड का काम तो नहीं है, दुकान तो बंद है आज, लेकिन वो बस थोड़ा सा बाहर गए हैं। आज है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इंडिपेंडेंस डे की। और अभी चलिए फिर मैं बाकी सारा काम करती हूँ, और अभी मुझे पोछा लगाना है, और आज मैं इस वाले स्टिक से पोछा लगाऊंगी, तो फिर अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद इस वाले स्टिक से पोछा लगाऊंगी, अच्छा लग रहा है। ये वाला मॉप मैंने फाइनली ले लिया, क्योंकि मैं इतने दिनों तक घर में हाथ से ही पोछा लगाती थी। और एक बात है कि हाथ से अगर पोछा लगाया जाए तो घर ज़्यादा, मुझे लगता है घर ज़्यादा साफ होता है हाथ से अगर पोछा लगाए तो। लेकिन मैंने ये वाली स्टिक ली, क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो ये वाली स्टिक मैंने लिया है पोछा लगाने के लिए। लेकिन मैं हफ्ते में 1-2 बार हाथ से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि हाथ से अगर पोछा लगाऊं तो पूरा घर एकदम से क्लीन होता है, क्योंकि घर के कोने कोने में सिर्फ हाथ ही पहुंचेंगे, ये स्टिक नहीं पहुंचेगी। वैसे तो मैं हाथ से पोछा लगाना ही पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये दिया है अभी। तो चलिए फिर, अभी मेरा घर का काम तो वैसे तो हो गया है सब कुछ, तो अभी मैं पोछा लगाऊंगी, और आज मैं इस वाले स्टिक से पोछा लगाऊंगी। अभी मैं आ गई हूँ नए स्टिक के साथ पोछा लगाने के लिए, तो मैंने किचन से स्टार्ट किया है, रोज़ ही मैं करती हूँ, किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। तो जिस साइड में मैंने ट्राइपॉड रखा है, जिस साइड मैंने मोबाइल रखा है, वो साइड मैंने पहले ही पोछा लगा लिया है, और उसके बाद मैं उस साइड भी पोछा लगा रही थी। और उसके बाद देखिए मैं इस वाले रूम में भी आ गई हूँ अभी, और अब मैं इस वाले रूम में भी अच्छी तरह से पोछा लगाऊंगी। और इस वाले स्टिक से अगर घर पोछा लगाया जाए तो बहुत ही पानी पानी रह जाता है, तो इसीलिए मैंने बस फ़ैन भी ऑन कर रखा था,
क्योंकि ये अभी जो धूप है बाहर, इस धूप से घर सूखने वाली थी नहीं, मुझे पता था। तो इसीलिए मैंने दोनों फ़ैन ही चला दिया था, क्योंकि बहुत पानी रह जाता है अगर स्टिक से घर पोछा लगाया जाए तो। और उसके बाद मैं चली गई थी पीछे, एकदम से घर के हमारे पीछे। तो ये वाली अरबी मैं आज बनाऊंगी, इस वाली अरबी के डंठल बनाऊंगी, मतलब मैं इसके डंठल की सूखी भाजी बनाऊंगी। तो अभी मैं इस टाइम नहा धो के आ गई थी, और आदि भी आ गया था। मैंने जब खाना बनाने के लिए गई थी किचन, तो उससे पहले ही आदि आ गया था। तो अभी मैं इस अरबी को थोड़ा सा बॉईल करके इसका पानी फेंक दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है, हो सकता है गले में थोड़ी खुजली भी हो, तो इसीलिए मैं ऐसा कर ले रही हूँ। और इसी के साथ देखिए, यहाँ पर मैंने बैंगन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और प्याज, और फिर मैंने प्याज को अच्छी तरह से थोड़ा सा गोल्डन कर लिया था एक सूखी मिर्ची के साथ। और फिर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था बैंगन जो मैंने काट के रखे हुए थे, और इसी के साथ हल्दी और नमक। एकदम से सिंपल से ही मैं फ्राई करूँगी। और ये देखिए, ब्रिंजल एकदम से रेडी हो गया है, और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी होता है, और आदि को ये बहुत ही पसंद है। और सच्ची बोल रही हूँ, ये एकदम से सिंपल ही बनाया जाता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये देखिए, मैंने दाल भी बना लिया है अभी, और आज मैंने मसूर दाल नहीं बनाया, ये वाली दाल बनाया आज मैंने। और ये देखिए, अरबी के जो डंठल मैंने बॉईल कर लिए थे, वो भी मेरा सब्जी बन गया है। और दोपहर खाना पीना खाने के बाद मैंने थोड़ा टाइम सो लिया था, और उसके बाद देखिए अभी शाम का टाइम है, और अभी हम लोग खा रहे हैं कटहल। हस्बैंड जी लाए थे एक, तो वही हम लोग मुरमुरे के साथ अभी खा रहे हैं। अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है, बस शाम का टाइम है इस टाइम। और ये देखिए, पुच्ची भी आ गया है हम लोग क्या खा रहे हैं देखने के लिए। और ये देखिए, जलेबी, बहुत दिनों के बाद हम लोग आज खा रहे हैं जलेबी चाय के साथ। और देखिए, पुच्ची भी यहाँ पर, फुल टू पार्टी चल रही है पुच्ची की जलेबी के साथ पार्टी। तो देखिए, पुच्ची को बहुत ही पसंद आ रहा है जलेबी, तो वो एकदम से फटाफट से खा रहा है जलेबी को। ये देखिए कितनी मतलब अच्छे से फटाफट से वो खा रही है अभी जलेबी। इसके बाद मैंने एकदम से 9 बजे करीब, 9 बजे होंगे तो इस टाइम मैंने ये ब्लॉग शूट किया था। तो अभी आदि का पढ़ाई हो गया है, और उसके बाद मैं अभी बेड को साफ़ कर ले रही हूँ, और बेड का एक झाड़ू है तो उसी के साथ मैंने बेड को अच्छी तरह से झाड़ू से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद देखिए, मैंने अभी मैं अभी घर में भी झाड़ू लगा रही हूँ, किचन में भी झाड़ू लगा लिया है मैंने अभी, और उसके बाद आ गई हूँ इस वाले रूम में, इस वाले रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। और मैं रात को झाड़ू मारने के बाद जो भी कचरा निकलते हैं वो मैं घर से बाहर नहीं फेंकती, वो मैं घर में ही रखती हूँ रात को। और फिर देखिए, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और फिल्टर में मैं पानी भर रही हूँ, क्योंकि हम लोग फिल्टर के पानी ही पीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी इतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग फिल्टर का पानी ही यूज़ करते हैं। और ये देखिए, अभी ये वाली मछली मैं फ्राई करूँगी, और ये वाली मछली मैं रख दूँगी, कल इसकी सब्जी बनाऊँगी। और ये वाले मछली आज हस्बैंड जी पकड़ के लाए हैं, क्योंकि आज है 15 अगस्त, तो आज दुकान सब बंद था, तो वो गए थे फिशिंग करने के लिए। और ये देखिए, अभी मैंने फ़िश को साफ करके ले आया, और उसके बाद अभी मैं करूँगी फ़िश की फ्राई, और इसके बाद हम लोग कर लेंगे डिनर। हम लोगों का खाना पीना हो गया है, और अब मैं हूँ बाहर,
और एकदम से अंधेरा है बाहर में, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर वीडियो देख कर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।